रही थी। सच में मुझे सोना है, पर्दा बंद करके अंधेरा कर दे। तो आपने खुद कर दिया है दी, कल रात आप आए, ना आपने कुछ बताया ना हमें कुछ पूछने दिया, साथ में तो कुछ समझ नहीं आया। बस इतना पता है कि आप कुछ ऐसा करके आए हो जो आप नहीं करना चाहते थे, फिर भी आपने किया, इसलिए लगा कि अंधेरा तो हो चुका है। क्या हुआ है दी, बताओ हमें, क्यों आधी रात को घर छोड़कर आया पैसे दी? I'm sorry. हमें पता है जब किसी को सवाल का जवाब नहीं देना तो उसे फोर्स नहीं करते, पर आपके सवाल के साथ आपकी नहीं, हम सबकी खुशियां, हम सबकी उम्मीदें जुड़ी है थी। मम्मी और दादी एक पल के लिए भी नहीं सोए रात भर, सबका बस एक ही सवाल है दी, ऐसे मुंह मत मोड़, बताओ हमें क्या हुआ है। हमें पता है हम आपसे रिश्ते में छोटे हैं, पर ये बात बहुत बड़ी है। रश्मि, हैंडल कर लूंगी मैं सब, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा घर इतना बड़ा तो नहीं है दी कि आप किसी भी कोने में जाकर छुप जाओगे और आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। बार बार सबको एक जवाब देने से अच्छा है कि एक बार मैं बता दूं ना क्या हुआ है। मैं कभी बीच में नहीं आना चाहती थी रश्मि, कभी भी नहीं। के बीच में है वहाँ खाना भैया आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हो, पर हमें कुछ समझ नहीं आता। एक सरोज आंटी ने आपको कुछ कहा, या फिर कान्हा और सरोज आंटी के रिश्ते के बीच में आ रहे हो? नहीं, अंजलि और कान्हा के। अंजलि? अंजलि कहाँ से? तुम पूरी इक्वेशन से आउट थी दी। नहीं, वो कभी आउट नहीं हुई थी और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अरे मैं ही तो थी, शुरुआत में ही मैंने उससे कहा था कि मेरी और कान्हा की शादी समझौते की शादी है, प्यार की नहीं। फिर एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटा के रहूंगी, तुम्हारा कान्हा तुम्हें वापस लौटाऊंगी। अरे मुझे तब थोड़ी ना पता था कि एक दिन कान्हा और मैं, हम दोनों के बीच, मतलब ये तो अभी अभी हुआ है ना। लेकिन अंजलि का प्यार, रश्मि अंजलि का प्यार हम सबसे पुराना है। वो कान्हा से बहुत प्यार करती है, इतना प्यार रश्मि कि वो जान देने के लिए चली थी कान्हा के लिए। तो बता बता किसकी गलती हुई? मेरी सारी गलती है ना इसके अंदर। नहीं दी, वो मैं ही आ गई उन दोनों के बीच, अगर मैं नहीं आती तो वो कान्हा की बीवी होती ना आज। नहीं दी, वो शायद नहीं बन पाती मिसेस चौधरी जैसे आप। आप भी तो नहीं बन पाए ना जो आप बनना चाहते थे। आप जानते हो ना, हम कुछ भी सोचे होता वही है जो कृष्णा जी चाहते हैं। रश्मि, मुझे करनी नहीं है ये बात। तुम सब लोग एक ही बात कहते रहते हो, नकुल, कान्हा, दादी, माँ और तू भी। मुझे नहीं करनी इस बारे में बात। कुछ गलत तो नहीं कहते ना दी? ऑल द बेस्ट तो बोल दो कृष्णा जी, एक अलबेली जंग लड़ने जा रहे हैं, प्यार से, प्यार के लिए और अपने ही प्यार से लड़ने जा रहे हैं। जिसे लड़ने जा रहे हैं वो भी एक अलग ही पीस है। जब तक दुश्मन थी तब तक बेधड़क आंखों में आंखें डालकर जो कहना हो कह देती थी, लेकिन अब जब से प्यार हुआ है तब से हमसे बातें छुपाने लगी है, दिल की बात दिल में रखने लगी है, नजरें चुराने लगी है। अब आप ही बताओ, ऐसे इंसान से हम कैसे लड़ सकते हैं? महाभारत के युद्ध में आपने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था ना कान्हा जी, वैसे ही हमारा मार्गदर्शन भी कर दीजिए, मतलब इस प्रॉब्लम से निकलने में हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। वैसे प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो दैट, लेकिन हम भी प्रोफेसर के पति हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। भाई भाई, अभी हमने उन्हें कमरे में देखा, लगता है वो वापस आ गई। कान्हा ने अपना अलबेलापन दिखाया नहीं और सयूरी वापस आ गई। मान गए कृष्णा जी, सही जादूगर हो यार आप। थैंक यू कृष्णा जी।
गुड मॉर्निंग काना। गुड मॉर्निंग। कल रात को काना का जो हाल देखा है मैंने, उस हिसाब से तो काफी बेटर लग रहा है अभी। है थैंक गॉड सयूरी को इतनी जल्दी भूल गया ये। तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम? सब ठीक है ना? हाँ, काफी बेटर फील हो रहा है। इनफैक्ट घर में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अपनी अपनी सी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। थैंक यू काना कि तुम मुझे यहाँ ले आए। वो तो सयूरी का आइडिया था, उसी ने कहा था मुझसे तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। अच्छा, नाइस। वैसे अब सयूरी यहाँ से, मैं अभी यहाँ रह सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। लेकिन नीचे गेस्ट रूम में जो तुम्हारे लिए खोला था? हाँ, सरोज आंटी ने ही कहा मुझसे यहाँ शिफ्ट होने के लिए। शायद गेस्ट रूम काफी दिन से बंद पड़ा था तो वहाँ बहुत अजीब सी स्मेल थी। तुम्हें तो पता है ना मुझे एलर्जी है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हम भूल गए थे। कोई बात नहीं, आजकल तुम इतने स्ट्रेस में हो, तुम्हें मैं कौन हूँ ये याद है, यही काफी है। ये कैसी बात कर रही हो? तुम तो मेरी फ्रेंड हो यार। आई नो, इसीलिए तो हक से आ गई यहाँ पर। वैसे काना, सयूरी वो तो हमेशा के लिए चली गई है ना यहाँ से? मायके गई, शाम तक लौट आएगी। और वो यहाँ से हमेशा के लिए नहीं गई है। ये कमरा उसका है, ये घर उसका है, और हम भी उसी के हैं। इस दिल से तो वो एक पल के लिए भी नहीं गई है। ठीक है, हम दूसरा गेस्ट रूम खुलवाते हैं, अच्छी तरीके से साफ करवाते हैं उसे, और तुम्हारे लिए दूसरे कपड़ों की भी अरेंजमेंट करते हैं। या तो तुम कीचू भैया से कह दो, वो तुम्हारे घर से तुम्हारा सामान मंगवा लेंगे, या तो फिर दीदी से कह दो, वो नए कपड़े दिलवा देंगे। लेकिन सयूरी की गैर मौजूदगी में उसकी चीजों को हाथ लगाओ, ये हमें पसंद नहीं है। हम नहीं चाहते कि शाम में जब वो वापस आए उसे इस बात का बुरा लगे। पता नहीं कब अनजाना कमरा अपना सा हो गया और अपना कमरा अजनबी। टाइम था कि आग बंद करके इस कमरे की हर चीज मैनेज कर सकती थी मैं, और अब देखो आंखें खोल के भी चीजों से टकरा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कमरा जिसने मेरा दर्द बांट लिया, और ये कमरा जो मुझे चोट दे रहा है। एक सुबह ढंग से नहीं बिता पाई तो पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? तुम्हारे बिना, अपने प्यार के बिना कैसे कर पाऊंगी खाना? पहला प्यार खोने के बाद जिंदगी शुरू कर चुकी हूं, दोबारा नहीं कर पाऊंगी।